हेलो गल्लू जी, कैसे हैं? नमस्कार, ठीक है, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत हीरोइन, जरा बताएं कौन है वे? नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा दुबे, मैं अपना परिचय खुद दे दे। अच्छा, तोहरे नाम आकांक्षा हो? जी। बड़ा मस्त गाना पहन ले बड़ू। गाना? हम्म, क्या करे, अभी पहनना पड़ता है। गल्लू जी ने मुझे गिफ्ट दिया है, बोले कि आप ये साड़ी में ये गहना पहनी, क्योंकि ये वाले साड़ी में आपको देख के मन कर रहा है टिप टिप बरसा पानी। हम जा रहे थे रास्ते से सीतापुर, तो मालूम चला फिल्म की शूटिंग चल रहा है, शादी बाई चांस। yes. तो शादी इन्हीं से होती है? ये थोड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा, शादी तो इन्हीं से होगी ना, इतनी सुंदर पत्नी कौन छोड़ेगा। ऐसे कहीं वो नहीं था, देख रहे माथे में सिंदूर सामने बैठ रही है, तो कहीं उसको वो नहीं लगा रहा ना? ऐसा नहीं है, ये आकांक्षा जी। अच्छा, ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे परफॉर्मर है, और इनके साथ हमने जितना भी काम किया है अभी तक, मतलब सारे गानों को लोगों ने पसंद किया है। फर्स्ट टाइम हम फिल्म कर रहे हैं। ये बात ऑडियंस को भी बहुत अच्छी लगेगी कि हमने एल्बम में स्क्रीन प्ले किया है, बट फर्स्ट टाइम हम मूवी में कर रहे हैं, और इनके साथ काम करके इतना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी और के साथ काम कर रही हूँ, मतलब ये हंसाते रहते हैं, एंटरटेन करते रहते हैं सेट पे मुझे दोनों एक दूसरे का। और एक चीज और बताऊँ, इनके साथ अभी तक मतलब ऐसे हो गया 14-15 साल मेरे को सिंगिंग करते हुए, ऑडियो कैसेट के जमाने से हम सिंगिंग कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल में सबसे बड़ा अगर कोई मेरा गाना है, आजकल तो लोग व्यूज गिनते हैं ना, क्वालिटी क्वांटिटी नहीं देखते हैं, क्या गाना है क्या नहीं, लेकिन व्यूज देखते हैं, तो व्यूज के हिसाब से अभी तक का मेरा सबसे बड़ा गाना इन्हीं के साथ है, नाच रे पत्थर की 2.0 यही है। बड़ा कर सकती थी और मैंने किया भी, आप डिजर्व करते हो, आप अच्छा करते हो, इसीलिए यहाँ पे चाम प्यारा नहीं, यहाँ पे काम प्यारा है। सत्य बोल रहा हूँ, कड़वा लगेगा लोगों को, लेकिन आपका काम बहुत अच्छा है, इसीलिए लोग पसंद करते हैं। अभी तक हमारा और इनका जितना गाना आया है, सारे गानों को दर्शक प्यार देते हैं। अभी झरलिया का डांस देख लीजिए, मत करिया बात का तुरले बढ़िया था, नागिन जी मैंने, हमने सावन में सबसे पहले किया, वाकई में नागिन है नहीं, इनको नागिन और मेरे को नाग लोग बोलते हैं, ये इच्छा था ही नागिन है, रूप बदलती है बहुत जल्दी जल्दी, जैसे अभी देखिए साड़ी में कितनी अच्छी लग रही है, शॉर्ट ड्रेस पहनेंगे तो मतलब हॉट ड्रेस में और अच्छी लगती है, वो मैंने बोला, और बाकी मेरे कहने का मतलब आकांक्षा अच्छी वाली नागिन। रास्ता चलते अगर कोई लड़का अगर छेड़ दे तो उसके रिप्लाई में क्या मिलेगा आपकी तरफ से? मैं डस नहीं देती हूँ, सीधा दे देती हूँ। अच्छा, मुझे लगा कहीं उसको नहीं, अगर कोई प्यार से बोल दे मैडम आप बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल, तो मैं बोलूंगी थैंक यू। अगर किसी ने रास्ते में चल के छेड़छाड़ किया तो मैं सीधा डस लेती हूँ, नागिन बन गया, इच्छा नारी नागिन, और भी सिकन्या वाली। शादी बाई चांस के बारे में थोड़ा सा बता दें। शादी बाई चांस के डायरेक्टर है हमारे संजय श्रीवास्तव सर, और प्रोड्यूसर है रामा प्रसाद जी, और बहुत ही डिसेंट बंदे हैं रामा जी, पहले टाइम मैं काम कर रही हूँ उनके साथ, मैंने आज तक वैसे शांत प्रोड्यूसर देखा नहीं कहीं, और बहुत सपोर्टिव है, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते हैं, हर चीज अच्छी, पूरी टीम बहुत अच्छी है, बहुत हमारे समीर जी हैं, समीर जी भी बहुत अच्छे हैं, जो डीओपी है हमारे वो भी बहुत अच्छे हैं, हमारे जितने असिस्टेंट हैं अमजद जी, आजम जी और मनीष उनीष, सब जितने हमारे टीम में जितने टेक्नीशियन है सब बहुत प्यार करते हैं और सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं चाहूंगी रामा जी की प्रोडक्शन हाउस में मैं कंटिन्यू करूँ। इस फिल्म में और आपके साथ आर्टिस्ट कौन कौन है? इस फिल्म में प्रियंका रेवड़ी भी है, अवधेश मिश्रा जी है, अनीता रावत जी है, अनुप अरोरा जी है, और महेश आचार्य जी है, भारती जी है, सोनिया मिश्रा जी है, सब ये कलाकार है जो हमारे साथ इस टीम में जुड़े हुए हैं, और सबका बहुत ही अच्छा किरदार है, मेरा भी बहुत ही अच्छा किरदार, मेरा नया किरदार देखने को मिलेगा ऑडियंस को, बट ये सस्पेंस है, मैं आप लोग को अभी नहीं बताऊंगी, जब ये फिल्म आएगी तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने नजदीकी सिनेमा घरों में प्लीज मेरा फर्स्ट टाइम कल्लू जी के साथ फिल्म प्लीज देखिए। सबसे ज्यादा क्या आप एल्बम करती हैं या फिल्में करती हैं? मैं तो पहले फिल्में ही करती थी, लॉकडाउन की वजह से मुझे एल्बम मिलने लगे और एल्बम में मेरा लक चल गया तो मैं एल्बम करने लगी, और सब बोलते हैं एल्बम आर्टिस्ट, बट आई एम नॉट एल्बम आर्टिस्ट, मैं मूवी की ही आर्टिस्ट हूँ, मैंने स्टार्टिंग मूवी से ही की थी और अभी मूवी ही कर रही हूँ, एल्बम तो बंद मैंने गैप कर दिया है। आकांक्षा, आपके अनुसार सबसे बड़ा गाना कौन सा है अभी तक आपके? सभी बड़े हैं मेरे लिए गाने, मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगी नहीं इनके बड़े, गाना कोई छोटा बड़ा नहीं होता, नहीं होता। अपने अपने हिसाब से सबका एक अलग अलग जोन है। आप कितना लाइक करते हैं कल्लू जी? मैंने शुरू में बोला कि इनका काम बहुत अच्छा है। नहीं, रियल में कितना लाइक करते हैं? वही उसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ, उसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ। देखिए, दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन हम लोग का अगर पहचान, हम लोग की अगर पहचान है तो एक काम से है। ये बहुत अच्छी परफॉर्मर है, और मैं इनके मुंह पे नहीं, मैं ये नहीं भी रहती तो भी 10 लोगों के बीच में बोलता हूँ, ये बहुत अच्छी परफॉर्मर है, बहुत अच्छा काम करती है, और जो इंसान अच्छा काम करता है वो अच्छा इंसान होता है, क्योंकि जो आदमी अच्छा इंसान नहीं होता वो अच्छा काम नहीं करता,
क्योंकि वो फेस पे दिख जाता है ना कि अच्छा इंसान नहीं, इनके फेस पे देखिए खूबसूरती। बख्शी तालाब और लखनऊ वासी कुछ कहना चाहेंगे? बस ये कहेंगे लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में यहाँ की जो सरकार है योगी जी की सरकार है, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके वजह से आपने जो सब्सिडी की पहल की है, जो सब्सिडी हमारी इससे पहले जो फंक्शन हुआ था उसमें मेरी 4 फिल्मों को सब्सिडी मिली है, तो हो सकता है इसी के ही लालच में या इसी के वजह से आज उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 से 15 फिल्मों की शूटिंग चल रही है। तो रोजगार रोजगार बोलने से नहीं होगा, रोजगार आज मिल रहा है, आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो 100 लोगों को काम मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ के जितने लोकल लोग हैं जो हम लोग का साथ दे रहे हैं, लोकेशन से लेके जितना भी फिल्म में नीड होता है उन सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, पटियाला जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे सेट पर हमेशा घूमते फिरते आ जाते हैं। आप दोनों की जोड़ी बरकरार रहे।